हफ्ते और ये थाउजन आ रहा है, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। वो एक हफ्ते या 10 दिन लग सकते हैं, एक हफ्ते 10 दिन कुछ। और जल्दी चाहिए मेरे को तो जो वो जो भी हुआ है इसका लोगों का। ये गाड़ी कर दे चिल्ले डाल दिए, एक डेढ़ हफ्ते बाद मिलेगी गाड़ी। इसका ये डैमेज हुआ है ना, ये चैन ये बदलेगा, इसकी वजह से इंश्योरेंस था इसलिए बच गया। हमारा वोट तो जाएगा बीजेपी पे, जाएगा बीजेपी और योगी 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 सरकार आएगी। यूपी वाले यूपीएससी भाई फाड़ के रख देंगे। योगी सरकार ही आनी चाहिए, और योगी अगर गया, मोदी गया अगर, तो मोदी के बाद योगी ही आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। हमारी गाड़ी लगा दी उसने, और उसके बाद ठोक दी भाई उसमें, पूरी घुसा दी पूरे से आगे। आप कुछ बोला नहीं उसे? अभी मेरा दिमाग सुन हो गया भाई, दिमाग सुन हो गया, कान सुन हो गया। गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे हो। और आज मेरा आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने BMW GS3 पे लच लिया था, तो आज की पहली सर्विस है। तो अभी तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है थी कितने रुपए लगेंगे या फ्री है जो भी है, क्योंकि तो मैंने जो अभी पल्सर ली थी RS 200 उसमें 3 सर्विस फ्री मिलती है। और इस BMW का मेरे को समझने मतलब बताया गया था कि सर्विस फ्री नहीं है, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या होता है। और मेरे को आगरा भी निकलना है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो मेरे को वोट डालना BJP में। तो अभी चलते हैं सर्विस, दिल्ली चलते हैं मोती नगर। हेलमेट दिखाता हूँ, ये बताओ भैया, तुम बताओ मेरे को पहले। वोट देने जाओगे? देना तो जरूरी है, देने जाओगे ना? हाँ है, तो आप बताओ किसको दोगे वोट? भाजपा को ही जाएगा, मोदी सरकार। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? वो डिजर्विंग है इसलिए जाना चाहिए, किसी और सरकार के पास वोट जाएगा तो गलत इस्तेमाल कर सकता है चीजों को, और ज्यादा महंगा और चीजों को वो कर सकता है कि लोगों के हक में ना जाए। जैसे राहुल गांधी को दे दिया, तो राहुल गांधी को देने का डिसएडवांटेज ये है कि उसमें उसके पास जाएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा हमारे देश के साथ। तो ये लोग उसको तो नहीं जाना चाहिए, हमारा भाजपा को। हमारा वोट तो जाएगा बीजेपी पे, जाएगा बीजेपी और योगी 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 सरकार आएगी। यूपी वाले यूपीएससी भाई फाड़ के रख देंगे। योगी सरकार ही आनी चाहिए, और योगी अगर गया, मोदी गया अगर, तो मोदी के बाद योगी ही आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे देश के अंदर। चलो बस अभी चलते हैं, जरा बाइक देखते हैं साफ है भाई। वैसे तो मैंने बहुत टाइम से गाड़ी चला, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, तो सर्विसिंग कराने के बाद चमक जाएगी, तो उसके लिए भी एक्साइटेड है कैसी लगेगी चमकने के बाद। चलो अभी एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ ये बताओ भाई। ठुक गई गाड़ी, गाड़ी कैसे ठुकी वही तो पूछ रहा। ठुक गई आगे पीछे से, आगे 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 गाड़ी लगा दी उसने, और उसके बाद ठोक दी भाई उसमें, पूरी घुसा दी पूरे से आगे। आप कुछ बोला नहीं उसे? अभी मेरा दिमाग सुन हो गया भाई, दिमाग सुन हो गया, कान सुन हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। चलो चाहिए, गाड़ी तो बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कम से कम हाथ पीठ ठीक तो है। ये पूरा अभी तो सही था रात को, अभी धीरे धीरे नील पड़ना चालू है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, होपफुली जल्दी रिकवर कर लूंगा मैं। चलो गाड़ी गाड़ी है पार्किंग में दिखाता हूँ। ये भाई कल एक्सीडेंट हुआ इसका, ये देखो चाल बना रखा है, पूरी सूट की ऐसी जैसी हो गई है। ये हमारी डेम बाइक GS, बहुत गंदी हो रही है, देखो कितने टाइम से चलाई नहीं है गाड़ी, अब आज हो के आई थी बिल्कुल साफ। और पता चलेगा कि पहली सर्विस फ्री है और या फिर चार्ज लगता है, जो भी है इसकी चैन बहुत जल्दी ढीली हो गई है। अब देखते हैं, चलते हैं अभी, भैया आ रहा है, चलो अभी निकलते हैं। फाइनली हम कर विक्रा में आ गए हैं, जाम दी वही थे, इतना 1.5 घंटा लगा हमें पहुँचने में। ये हरी से
बाइक खड़ी है अपनी, सर्वे जो रही है अभी, गाड़ी सर्विस कराने आए थे पर जमा करानी पड़े थी, एक हफ्ते बाद मिला जी गाड़ी, एक हफ्ते। और ये था एजेंडा, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी, वो एक हफ्ते या दस दिन लग सकते हैं, एक हफ्ते दस दिन कुछ, और जल्दी चाहिए मेरे को तो। जो वो जो भी हुआ है उसका लोगों का, उसमें लोगों में क्रैच आ गया था तो वो बनवाने के लिए डाला, तो बोल रहे सब कुछ हो जाएगा, इंश्योरेंस करा रखा था तो अच्छा है भाई, पैसे बच गए। चलो एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा, अब आपको गाड़ी दिखाता हूँ कहाँ पे क्रैच आया, गिर गई थी पापा से, तब दिखाता हूँ आपको। अरे गाड़ी जैसी लग रही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, लेनी पड़ेगी ये गाड़ी, सर्विस के लिए डाल दिए, एक डेढ़ हफ्ते बाद मिलेगी गाड़ी। इसका ये डैमेज हुआ है ना, ये चैन ये बदलेगा, इसकी वजह से इंश्योरेंस था इसलिए बच गया, वैसे बहुत खर्चा आ जाता है भाई, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, ऑटो से जाना पड़ेगा, 10-15 days लग जाएंगे इसके अंदर, देखते हैं कब तक वापस आते हैं। चलो अभी चलते हैं, जरा ओला बुक करते हैं फिर निकलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है वैसे। अब मैं सोचा था गाड़ी लेके जाएंगे बट टैप करनी पड़ी है, अब देखो आऊँगा 15-20 days बाद आऊँगा, जो कहा होता कि। और बस क्या सोच के आए थे, क्या हो गया, हर बार का यही होता है, हर बार यही होता है, ब्लॉग बनाना ही सोचता हूँ, कुछ ना कुछ प्लान बना के आता हूँ, उल्टा ही हो जाता है इसका। चलो अभी घर चलते हैं। एक फायदा हो गया कि इंश्योरेंस हो गया हमारा बाइक का उसी में, तो इसलिए वो बच गया हम लोगों का, बाकी तो 10-15 days बोला है उससे, देखो कब तक ठीक हो गया आती है, फिर दिखाते हैं उसका नया लुक दोबारा से। तो अभी घर चलते हैं, अब फाइनली हम घर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग बहुत थक गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी तो मैं आगरा निकलूँगा क्योंकि बाइक तो है नहीं, अब 15 days में आएगी बाइक, तो अभी पल्सर चलाऊँगा, आराध्या से वो खड़ी हुई है आगरा में, तो वहाँ जाके बनाएंगे व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।